दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्रिक वर्क को कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या कमियाँ होती हैं और उनको कैसे सुधारा जाए। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक तरफ से और मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिक वर्क में क्या क्या कमियाँ होती हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जैसे हमारा पाया लगा हुआ है, ये यहाँ से बैंड है, यानी कि ये साहुल में नहीं है। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप देख पाएंगे नीचे से सीधा है और यहाँ के घूम गया है एक तरफ से, आप देख पाएंगे। उसके बाद आप दूसरी दीवार पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये नीचे की चिनाई हुई है यहाँ तक ये ठीक है, यानी कि वाटर लेवल में। उसके बाद ये पूरा ऐसे डाउन आ गया है, तो ये सीधी होनी चाहिए वाटर लेवल में। आप देख पा रहे हैं मेरा फ़ोन बिल्कुल सीधा, लेकिन ये यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं ये सारा ऐसे डाउन आ गया है। ये चीज़ें ना होने दें। एक इस तरह से ये देखेंगे आप जो ब्रिक है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा भार है, इसमें बीच में मोर्टार ज़्यादा डाल दिया, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये 10 mm तक तो ठीक है, छोटा बड़ा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बीच में मसाला प्रॉपर डालें। और ये आप देखेंगे यहाँ भी ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे डाउन गया है, यानी कि वाटर लेवल में नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जॉइंट उन्होंने मिलाया है मिस्त्री ने, यहाँ जहाँ जॉइंट मिलाया है प्रॉपर नहीं है। ये देखें जो लोक निकाले जाते हैं वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से मिलाया नहीं है। ये देखिए ना, मसाला भरा हुआ प्रॉपर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे क्रैक आ जाएगा आपकी दीवार में। और एक तरफ देख रहे हैं आप, ये इन्होंने ऐसे छोड़ दिया, इसमें मसाला नहीं भरा, ये नहीं करना है, मसाला आपको भरना है। एक तरफ जहाँ चिनाई करते हैं फ्रंट पे, तो ऐसे फिनिश कर देते हैं जैसे ये किया हुआ है, ये बढ़िया है। लेकिन इसी मिस्त्री ने ये देखिए यहाँ गलती कर दी है, इसको ऐसे खाली छोड़ दिया, बल्कि इसको ऐसे जैसे नीचे भरा है। ये देखिए आप कितने समझदार मिस्त्री हैं, नीचे इन्होंने भरा है उसके बाद ऊपर नहीं भरा। ये नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में सूखने के बाद अगर भरते हैं तो प्रॉपर पकड़ता नहीं, तो ताज़ा दीवार में आपको ये भरवा लेने हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आपको एक अलग अजूबा और दिखेगा। यहाँ से नीचे की दीवार की जो चौड़ाई है वो 9 इंची से ज़्यादा है, 9.5, और ये 9.25 है, यानी कि इसके बीच में मसाला कम डाला, नीचे मोटा डाला। आप देख पा रहे हैं ईंटें भी इसकी कैसे बाहर हैं, अगर फेस से दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा ईंटें बाहर हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं कराना है। और ये आप अगर नज़र मारें जो सामने जो पाया लगाया है ऊपर से सीधा आ रहा और यहाँ से ऐसे घूम गया है, आप इसको अगर गौर से देखेंगे सामने वाले पाए को, तो ये घूम गया बीच में से, गोल हो गया है, अंदर घुस गया है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साहुल में नहीं किया हुआ ये, तो साहुल में चिनाई करवानी है जब भी आप कराएं। आप देखेंगे दोस्तों ये एक ही मिस्त्री के द्वारा किया हुआ काम है, लेकिन इस तरफ जब आप देखेंगे ये दीवार, ये इसने फिनिश करके चला है, ऐसे एक तरफ ही आएगी ये दीवार, इसमें बिल्कुल ठीक है ये जो इन्होंने काम किया, क्योंकि एक तरफ ये ऐसा आता है, दूसरी तरफ हमें ऐसा मिलता है कहीं 10-5 mm ऊपर नीचे निकल जाती हैं ईंटें, बाहर आ जाती हैं। लेकिन जिस तरह देखेंगे नीचे इसने इस तरफ भर दिया है जोड़, तो ऐसे ठीक होता है, अच्छे से फील हो जाता है और पकड़ लेता है अच्छे से, लेकिन इसने ऊपर छोड़ दिया है ये पता नहीं किस कारण से। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको ऐसे भरवाना है। एक तरफ ये ऐसे फिनिश कर देते हैं, दूसरी तरफ आपको ऐसे हाथ से भरवाना है मसाला। उसके बाद ये देखें जो जॉइंट्स है दोस्तों, नीचे के जॉइंट्स आप देखेंगे दीवार से, जो दूसरी दीवार का जॉइंट है ये देखिए कितना प्रॉपर तरीके से, लेकिन ऊपर वाला आप देखेंगे यहाँ पे गैप है, ये प्रॉपर नहीं है, ये बाद में क्रैक का कारण बनता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करवाना है आपको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, और एक ही मिस्त्री द्वारा किया हुआ अजूबा है ये, और इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों ये जो ब्रिक है ये ऐसे सीधे होने के बजाय ऐसे निकली है, यानी कि एक कोना बाहर है एक कोना अंदर है, सीधा है, ये वाला फेस सीधा है तो ये वाला फेस बाहर निकाल दिया है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए। अगर यहाँ गुनिया लगाएंगे हम तो ये 90 में ऐसे होना चाहिए, गुनिया लगाएं तो 90 में ऐसे आना चाहिए। तो ऐसी इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ आप देखेंगे दोस्तों ये दूसरी दीवार पर हम आ गए, यहाँ पर ये जो ईंटें हैं ये कितना बाहर हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करवाना है। और यहाँ पर जो जॉइंट भरे हैं ये देखिए, जितना मन किया उतना भर दिया, बाकी इन्होंने छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, इससे आपकी दीवार कमज़ोर होगी। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कैसे अंदर आ गया है सारा, यहाँ से यहाँ ठीक है, बीच का ऐसे गोल हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये ऐसे मर्जी से काम जो करते हैं ऐसे नहीं करने देना है। इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है अपना घर बनवाते वक्त। अब मैं आपको एक यहाँ और दिखा दूँ। जैसे दोस्तों हम जो पाया चिनाई करते हैं, तो जब हाइट ज़्यादा होती है तो पाया एक दिन में हम पूरा नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो गिर जाता है। तो यहाँ तक जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ उंगली, ये वाला जो पोर्शन, इससे नीचे का पोर्शन इन्होंने
पहले किया एक दिन, समझ लीजिए कल किया था, उसका बाद आज ये समझ लीजिए ऊपर वाला किया। तो जो नीचे वाला किया ये देखिए, ये जिस भी मिस्त्री ने किया ये ठीक किया, प्रॉपर किया। उसके बाद जो ऊपर से स्टार्ट किया ये देखें ना, इसको भरा है और जॉइंट्स भी अच्छे नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एक तो ये पाया है जो पहले इतना मजबूत नहीं होता है, उसके बाद इसमें अगर ऐसी चिनाई होगी तो दोस्तों ये क्रैक 100% देगा। ये देखें ईंटें यहाँ बिल्कुल चिपका दी हैं, यहाँ ज़्यादा गैप है। ये जो नीचे किया ये ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो जॉइंट्स नहीं भरते साथ साथ, ये सबसे बड़ी कमजोरी का कारण बनता है दीवार की। ये हमें दोनों तरफ से भरवाने हैं, एक तरफ से तो मिस्त्री कर लेता है इस तरह से जिस तरफ उसका फेस होता है, दूसरी तरफ उसको इस तरह से भरना होता है ये देखिए, लेकिन भरते नहीं है, ये आपको बोल के भरवाना है। ये देखें सारा इन्होंने ऊपर ऊपर की हाइट जहाँ तक लेबर का हाथ गया वह भर दिया, उसके बाद उसने नहीं भरा जो अपने पैसे बचाने के लिए, लेबर बचाने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 4 इंची का दीवार है, इन्होंने ये 4 इंची दीवार अभी खड़ी करवा ली है। और इसकी हाइट जो है लिंटर की वो है 13 फीट। तो जब ये शटरिंग लगाएंगे और शटरिंग लगा के जब खोलेंगे तो प्लेट वगैरह जैक वगैरह गिरते हैं और चैनल गिरती हैं, तो जैसे इस पे लगेगी गिर जाएगी और इसको दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। तो 4 इंच की चिनाई कभी भी ना करें, वो लेंटर बनने के बाद, वो लेंटर डलने के बाद ही आपको करना। दोस्तों चिनाई करने से पहले कॉलम पे आपको ऐसे घोला लग जरूर लगवाना है सीमेंट का, ताकि वो अच्छे से पकड़ ले। ये देखिए जितनी भी आपकी मोटी चिनाई 4 इंची है 9 इंची, उस हिसाब से आपको ऐसे घोला ज़रूर मनवाना है। घोला लगवा के करने से जो हमारी दीवार की पकड़ है वो कॉलम के साथ अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये सब घोला लगा के किया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से जॉइंट्स हो जाएगा और क्रैकिंग का चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो घोला लगवा के पहले सीमेंट का तभी चिनाई करवाएं, ऐसे भी ना घोला लगवाए बिल्कुल ना करवाएं जहाँ भी कॉलम और बीम हो वहाँ पर। और इसमें भी आप देख पाएंगे कहीं मोटी है दीवार कहीं पतली है, ऐसे गोल है ये देखिए, यहाँ से पूरा गोल है और ऐसे तिरछी भी है चिनाई। ये आपको साहुल और वाटर लेवल में लेनी है, ये जो साहुल और वाटर लेवल नहीं लगाते उसका नतीजा है। तो इन बातों का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है अपने घर पे ब्रिक वर्क करते वक्त। और इसके अलावा भी आपको जैसे जो मसाले का रेशियो है वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए, ईंटें आपको A1 क्वालिटी की लगानी है, सेकंड की नहीं लगानी है। मिस्त्री लेबर आपके अच्छे होने चाहिए जो काम के जानकार हों, और आपको प्रॉपर तरीके से ऐसे जॉइंट्स पर भरवा के चलने हैं। और दीवारें बनने के बाद तकरीबन आपको 6 से 7 दिन लगातार बढ़िया से इनकी तराई मारनी है, क्योंकि जितना आप तराई लगाएंगे उतना ही ये मजबूत बनती चली जाएंगी। और दोस्तों ये जो पैड लगाने के लिए जो आप देख पा रहे हैं बीच में होल छोड़ देते हैं, और प्लास्टर के टाइम पे क्या करते हैं इसमें ऐसे ही ईंटा फंसा देते हैं बिना मसाले के और ऊपर से प्लास्टर छाप देते हैं। तो उस वक्त आपको खास ध्यान रखना है बिना मसाले के सूखी ईंट इसमें नहीं लगवानी है, उसको आपको बदरपुर के मसाले से पहले फिक्स करवाना है जैसे बाकी करा है, उसके बाद आप प्लास्टर करवाएं। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना ब्रिक वर्क में, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बाद में ये सीलन और जो क्रैक्स हैं उनका कारण बनती है। तो दोस्तों अपने घर में काम कराते वक्त जो मैंने इस वीडियो में आपको टिप्स बताए हैं और किस तरह आप ब्रिक वर्क चेक करें, किस किस तरह से करवाएं, किन किन बातों का ध्यान रखें, इनका खास ध्यान रखें ताकि बाद में आपको क्रैक और सीलन का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों ऐसे ही काम की और टेक की वीडियोज़ आती रहती हैं जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।